हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिकी के प्रश्न बैंक के हल को। तो आज इसमें हम देखेंगे यहाँ पे अध्याय 10 जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी, इसके एक वाक्य के उत्तरों को देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और आपने अगर अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल के प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, जिसमें 12वीं सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट है, वो उसमें से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी तक हम अध्याय 10 तक में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाल चुके हैं, एक वाक्य के उत्तर हमने नहीं डाले थे पार्ट 10 के, तो वो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। प्रश्न है हमारे पास एक वाक्य में उत्तर का, पहला प्रश्न, किसी प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता बराबर होता है a बटे 1.22 लेमडा। तो यहाँ पे लेमडा है तरंग दैर्ध्य और a है अभिदृश्यक का व्यास। तो ये था प्रश्न नंबर एक का उत्तर। अब इसके बाद हम देखते हैं इसी का प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण चित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि। तो यंग की जो द्विस्लिट प्रयोग है उसमें व्यतिकरण चित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताना है हमें, किन किन कंडीशन पर। पहला दिया है जैसे यहाँ पे, यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आंसर आएगा लाइट की तीव्रता बढ़ जाएगी और ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होगी। तो यह है पहले का आंसर इसमें। अब दूसरा प्रश्न इसमें दिया है कि स्रोत को स्लिट की ओर सरकाया जाए, तो इसका आंसर आएगा फ्रिंज की चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा किंतु फ्रिंज का पैटर्न बदल जाएगा। तो ये है इसके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन यह दिया है कि दोनों स्लिटों से दूर हटाया जाए, तो दोनों स्लिटों से दूर हटाया जाने पे फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जाएगी। इसके बाद है हमारे पास इसी का चौथा प्रश्न, दोनों स्लिटों की चौड़ाई बढ़ाई जाए, तो इसके आंसर में आएगा इसमें भी फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जाएगी उससे। अब पांचवा जो प्रश्न है हमारे पास कि एक वर्णी स्रोत को दूसरे कम तरंग दैर्ध्य वाले एक वर्णी स्रोत से प्रतिस्थापित किया जाए, तो इसमें होगा फ्रिंज का रंग बदल जाएगा। तो ये था प्रश्न नंबर पांच का उत्तर। अब इसी का हम देखते हैं प्रश्न नंबर छह। प्रश्न नंबर छह है, एक वर्णी स्रोत को श्वेत प्रकाश स्रोत से प्रतिस्थापित किया जाए, तो इसमें आंसर आएगा केवल बीच वाली फ्रिंज श्वेत होगी और दूसरी फ्रिंज रंगीन होगी। तो सिर्फ बीच वाली फ्रिंज इसमें श्वेत यानी सफेद रंग की रहेगी, बाकी दूसरी जो फ्रिंज है वो रंगीन रहेगी, मतलब कलरफुल रहेगी। तो ये थे एक वाक्य के सभी प्रश्नों के उत्तर अध्याय 10 के। तो इसमें हमने एक वाक्य के उत्तर ही देखे हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को इसके देखेंगे।